चैनल एंड फॉर टुडेज वीडियो 2023 के लिए क्या वॉच लिस्ट में मैंने ऐड किया है उसका मैं वीडियो बना रही हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो है जो वीडियो सीरीज मैंने अपने चैनल पे करना स्टार्ट किया है। फर्स्ट वीडियो था बुक लिस्ट के बारे में कि 2023 में आप कौन सी किताब पढ़ सकते हो, मेरी रिकमेंडेशन भी थी उस पर, मेरे चॉइसेस भी थे कि मैं खुद क्या रीड करने वाली हूँ। सो इन दिस वीडियो आज मैं मेरा वॉच लिस्ट शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या मैं पर्टिकुलरली नेक्स्ट ईयर देखने वाली हूँ जब भी मुझे टाइम मिलेगा। सो इसके अराउंड भी कुछ होता है इधर उधर मैं देख लेती हूँ, वो मेंशन नहीं होंगी। दोस थिंग्स आर नॉट मेंशन इन द लिस्ट। ये एक लिस्ट मैंने बनाई है जो मैंने पिछले साल भी बनाई थी, उसका एक मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ देम मैंने देख लिया था। बेसिकली उस पर ज़्यादा सारे हॉरर फिल्म्स ही थे हॉलीवुड के जो मैंने देखे थे। बट इस साल के लिए मैंने कुछ डिफरेंट सोचा है, बहुत सारी चीज़ें नए एड ऑन किया है एंड कम्प्लीटली डिफरेंट एक टेम्पलेट बना के उस पर मैंने मेरी पसंदीदा कुछ फिल्म्स मैं देखना चाहती हूँ, कुछ सीरीज, कुछ डॉक्यूमेंट्री, सब कुछ मैंने ऐड ऑन किया है। सो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड उसके साथ साथ आपको एक जनरल आइडिया भी मिल जाएगा कि अगर आप खुद के ऐसे लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो। आज के इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ही आपको दिखा देती हूँ, दिस इज़ My journal for 2023। ये एक ओल्ड वन है, मैंने प्रीवियस वीडियो पे इसके बारे में डिटेल्स आपको दी थी। ये एक पुराना नोटबुक मेरे पास था जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फॉर दिस ईयर, क्योंकि इसके पेजेस बच गए थे। तो मेरे हाथ में लिस्ट है 2023 के लिए एंड मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस वीडियो। मैं यहाँ पे आपको सेक्शन बाय सेक्शन बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड किया है एंड उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स भी होगा। सो मैंने टॉप ऑफ माई लिस्ट मैंने यहाँ पे महाभारत लिखा है क्योंकि वो मैंने कभी नहीं देखी है अभी तक एंड मैं देखना चाहती हूँ, दैट्स वाई मैंने इसको टॉप पे रखा है क्योंकि मैं इसको देखने ही वाली हूँ। 1 तारीख से मैं स्टार्ट कर दूंगी इसको देखना। देन मैंने यहाँ पे 2 सेक्शन बनाए हैं, एक बॉलीवुड एंड एक हॉलीवुड। उस पे मैंने जो भी ऐड किया है उसके सारे कवर वगैरह आपको दिखने मिल जाएंगे मेरे स्क्रीन पे, आप नज़र रख सकते हो। एंड ऑल्सो मैंने कैसे इसको प्लान आउट किया है, इसका क्या लेआउट है एंड मैंने कैसे इसको प्लान किया है उसका भी डिटेल्स रहे। तो फर्स्ट जो है बॉलीवुड के नीचे मैंने लिखा है ऑल टाइम बेस्ट। ये जस्ट रैंडमली मैंने सर्च किया आर्टिकल्स वगैरह ऑनलाइन जाके सर्च किया एंड वहाँ से सारे ऑल टाइम बेस्ट जो रिकमेंडेशन थे लोगों के आर्टिकल्स पढ़ के, उसमें से जो मुझे पसंद आया वो मैंने एड ऑन किया है। कुछ मैं देख चुकी हूँ एंड कुछ मैंने नहीं देखे हैं। तो उस लिस्ट पे है क्वीन जो कंगना रनावत के है एंड मैंने ये ऑलरेडी देख लिया था बट आई डू वॉन्ट टू री वॉच इट। कुछ ऐसे भी फिल्म है, ऐसे भी है जो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ बट फिर भी मैंने उनको एड ऑन किया है देखने के लिए फिर से। दिस इज रियली रैंडम एंड एग्जैक्टली दिस इज ओनली फॉर फन। ऐसा कुछ नहीं है कि ये देखना ही पड़ेगा, इसको मैं देखने के लिए मर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज बेसिकली ओनली फॉर फन। सो मैंने उस पे और डाला स्वदेश जो मैंने देखी नहीं है एक बार भी। कुछ कुछ होता है जो मैं देख चुकी हूँ एंड देवदास जो मैं देख चुकी हूँ पर दिस वन आई डू हैव अ डिफरेंट फीलिंग्स। मैं उसको देखना चाहती हूँ और एक बार फिर से, काफ़ी टाइम पहले देखा था। सो उसके ही नेक्स्ट जो मैंने हॉलीवुड का लिखा है ऑल टाइम बेस्ट, दोज आर रिकमेंडेशन फ्रॉम पीपल जो आर्टिकल ब्लॉग्स वगैरह है उसमें से लिए गए हैं एंड उस पर मैंने डाला है ऑल टाइम बेस्ट जुरासिक पार्क। ये तो सबका ही फेवरेट है एंड मैं इसको कई बार देख चुकी हूँ एंड फिर से देखने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एंड ऑल्सो टाइटैनिक, इसको मैं लास्ट ईयर भी आई गेस मैंने देखा था एंड इसको कई बार रिवॉच कर चुकी हूँ मैं, नेक्स्ट ईयर भी मैं करने वाली हूँ। दिस इज़ लाइक द बेस्ट
थिंग इज द बेस्ट थिंग ऑन माई लिस्ट सो फार. सो उसके ही नीचे मैंने बॉलीवुड के कुछ अवेटेड मूवीज लिखे हैं एंड हॉलीवुड के लिए बेस्ट हॉरर्स जो है उसकी रिकमेंडेशन मैंने कलेक्ट की है नेक्स्ट वॉच के. अवेटेड जो बॉलीवुड के फिल्म हैं उसके मैं पोस्टर्स वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगी इन दिस वीडियो. सो उस लिस्ट में मैंने है आदि पुरुष, पठान एंड जवान. ये तीन है मैंने रखे हैं, उसमें से एक शाहरुख खान का है, आई क्लियरली रिमेंबर इट, एंड बाकी मुझे रिमेंबर अभी नहीं हो रहा है. बट बेस्ट हॉरर जो हॉलीवुड के मैंने लिखे, पास ही मैंने ये बेस्ट हॉरर के रिकमेंडेशन मैंने लिखे हैं जो मुझे देखने हैं एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग लगे. हाउ आई डिसाइड कि मैं ये देखना चाहती हूँ, बेसिकली मैं कवर जो पोस्टर होता है उसको देख के ही देख के एंड ऑल्सो नीचे जो कंटेन उस पर लिखा होता है उस बेस्ड ऑन दैट स्टोरी लाइन, बेस्ड ऑन दैट आई डिसाइडेड एंड दैट्स माई लिस्ट, दैट्स माई लिस्ट फॉर बेस्ट हॉरर जो मैं नेक्स्ट ईयर देखना चाहती हूँ. एंड देन दो और सेक्शन बच गए हैं जो है कॉमेडीज बॉलीवुड के लिए एंड जॉम्बी मूवीज हॉलीवुड के लिए. दैट्स टू ऑल्सो माई फेवरेट. कॉमेडी फिर भी मैं ना देखूं भी फिर भी चलेगा, बट जॉम्बी मूवी आई हैव टू वॉच बिकॉज मुझे बहुत पसंद आते हैं. एंड कॉमेडीज में लेट्स टॉक अबाउट द बॉलीवुड कॉमेडीज जो मैंने चुपके चुपके रखा है, दे दनादन एंड हेरा फेरी. मैं मैं दो देख चुकी हूँ. हेरा फेरी मैंने वैसे ठीक से नहीं देखा है बट मैं दो देख चुकी हूँ चुप चुप के एंड दे दनादन. दे दनादन मेरी फेवरेट है. इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा फर्स्ट पेज वॉच लिस्ट का एंड उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं. थोड़ा सा लॉन्ग लिस्ट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने थोड़ा लॉन्ग लिस्ट रख दिया है क्योंकि इस ईयर पे ना मैं ज़्यादा वैसे नहीं देख पाई हूँ. देखे हैं बहुत यूट्यूब वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखे हैं एंड थोड़ा बहुत देखा है बट इतना ज़्यादा नहीं देख पाई हूँ. इसीलिए नेक्स्ट ईयर का मेरा थोड़ा सा गोल वॉच लिस्ट के लिए डिफरेंट है. मैं देखना चाहती हूँ और डिफरेंट तरह की चीज़ एंड रीवॉच भी करना चाहती हूँ कुछ. सो नेक्स्ट पेज के लिए मैंने नेटफ्लिक्स के जो बेस्ट सीरीज़ है वो मैंने रखे हैं एंड ऑल्सो कार्टून्स. दिस ईयर ना मुझे इतना ज़्यादा कार्टून्स फिल्म देखने की मन किया, बेसिकली स्कूबी डूबी एंड शिनचैन ये सारे मुझे देखने का इतना ज़्यादा मन किया पर मैं ठीक से देख नहीं पाई. इसीलिए मैंने कार्टून का एक सेक्शन बना के रखा है नेक्स्ट पेज के लिए. शॉन द शीप ये एक मेरा फेवरेट कार्टून था बचपन में, मैं बहुत देखती थी. एंड आई रिमेंबर कि मेरे सिस्टर्स एंड मेरे ब्रदर को बिल्कुल नहीं पसंद आता था ये शॉन द शीप वाला, बट मुझे बहुत पसंद आता था, मैं इसको देखा करती थी बहुत ज़्यादा. एंड स्कूबी डूबी जो मुझे पसंद नहीं था इतना ज़्यादा पर बाद में पसंद आने लगा है. अभी की बात करूँ तो मुझे अच्छा लगता है पर तब मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता था, पर मेरी जो सिस्टर है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड शिनचैन इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट. इसीलिए कार्टून मूवी में मैंने इन तीनों को रखा है. एंड नेटफ्लिक्स के ना मैं स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देख पाई. मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि उसने पूरा कंप्लीट कर चुका है नया जो सीज़न आया है उसके, बट आई डोंट नो मैंने नहीं देखा, टाइम नहीं हो पाया. सो इसीलिए मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स यहाँ पे रखा है. एंड ऑल ऑफ अस आर डेड ये मैं ऑलरेडी पूरा सीरीज 2-3 दिन में मैंने ख़त्म कर लिया था, देख लिया था एंड मैं इसको रीवॉच करना चाहती हूँ. इसके बाद दो सेक्शन और मैंने बनाए हैं, एक हॉटस्टार क्योंकि अब हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मेरे हस्बैंड के पास है तो मैं उसको देखती हूँ अभी. एंड डॉक्यूमेंट्रीज भी मैंने रखे हैं जो पर्सनली मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना एंड स्पेशली एनिमल्स एंड रिलेटेड टू अर्थ एंड ऐसी चीज़ें मुझे देखना पसंद आता है. सो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक ए सेक्शन फॉर दैट ऑल्सो एंड जो मैं बहुत टाइम से देखना चाहती थी वो मैं इस पर ऐड कर दूँ एंड फाइनली मैं उनको वॉच करूँ. ये था मेरा टारगेट. सो इसीलिए मैंने एक ही चीज़ हॉटस्टार के लिए मैंने जो रखा है वो है मूविंग इन विद मलाइका अरोरा. एंड लेटली
मैं उनके मतलब सोशल मीडिया, ऑल ओवर सोशल मीडिया उनके मैंने इतने सारे पेपराजी वाले वीडियोस रील्स वगैरह देखे हैं ना, काइंड ऑफ मैं फ़ैन बन चुकी हूँ उनका. सो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू वॉचिंग दैट शो. आई थिंक कि वो स्टार्ट हो चुका है अभी. एंड डॉक्यूमेंट्रीज पे मैंने जो रखा है द रेस्क्यू, अर्थ मूड्स एंड वेल्स एंड वाइल्ड अलास्का एंड एक्सट्रीम इंजीनियरिंग. ये वाला शो आई रिमेम्बर कि मैं देखती थी पहले. बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट एंड ऐसे बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, ब्रिज बनाए जाते हैं, जो एक्सट्रीम लाइक वेरी वेरी जीनियस थिंग होता है. एंड उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखना मुझे बहुत पसंद है. सो आई थिंक वी आर एंड ऑफ द लिस्ट. सो यहाँ पे मैंने रैंडमली मेरे जो फेवरेट साइट्स होते हैं जहाँ पे मैं ऑनलाइन वॉच करती हूँ, वहाँ से सारे पोस्टर्स वगैरह देख के मैंने एड ऑन कर दिया है. ये मैं हर बार करती हूँ. प्रीवियस ईयर भी ना, मतलब दिस ईयर आई डिड द सेम. मैंने बस मेरे जो फेवरेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे मैं गई एंड वहाँ जाके पोस्टर्स वगैरह देख के मैंने सारे वहाँ पे लिख लिए कि मैं ये देखना चाहती हूँ एंड वो देखना चाहती हूँ. दैट्स ऑल आई डिड फॉर दिस ईयर. बट इसीलिए थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, लिस्ट थोड़ा सा और बढ़ाया है एंड इसको थोड़ा सा और इसको इन्हांस करने की कोशिश की है दिस ईयर के लिए. आप इसको फॉलो करके आप खुद का भी बना सकते हो. मैं इसका एक टेम्पलेट भी ऐड कर दूंगी जो आप चाहे तो डाउनलोड करके बना सकते हो. ओके, फटाफट आई लाइक टू वॉच फॉर 2023 का लिस्ट भी चेकआउट कर लेते हैं. सो स्टार्टिंग ऑन विद वाइल्ड हवाई, सोल ऑफ एलिफेंट, डार्क साइड ऑफ ऑपरेशन लॉयल वेडिंग, ओशंस वियरेस्ट एंड बिल्डिंग वाइल्ड. And also the list going on with Rocky Mountain, Home Alone and also more on this side too. मैंने एक notes लिखने के लिए अगर कुछ thoughts मेरे मन में आते हैं या मुझे कुछ पसंद आता है, कुछ भी मैं remember करना चाहती हूँ, ये सारे series, ये सारे films देख के वो मैं यहाँ पर note down कर सकती हूँ. And also अगर कुछ मेरे और भी देखने का मन हो गया तो मैं इसको add कर सकती हूँ and I can replace that if I manage to watch all of this next year, then I can definitely watch and either I can save it for next year, like 24 ke liye. So here Independence Day, No Exit, Side Story and also The Biggest Little Farm. So also the list is very long. I will just add all the covers here for you guys to see and ek list. पूरा लिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो. एंड आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है एंड इफ़ यू डू एंजॉय वॉचिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को एंड कमेंट करके बताओ कि आपने आपके वॉच लिस्ट में क्या क्या डाला है 2023 के लिए. सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, बाय.